आज एक इजी ड्राई और इंस्टेंट चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस चटनी को आप ड्राई भेल भेल पूरी बनाने के लिए यूज कर सकते हो। आप इसे अपने खाने के साथ भी खा सकते हो और इस चटनी को आप फ्रिज में 20 से 25 दिन तक रख कर यूज कर सकते हो। भेलपुरी या चाट के लिए सूखी इंस्टेंट चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप हरा धनिया ले लिया है, जिसे मैंने वॉश करके थोड़ा सा सुखा लिया है। इसे हम पीसने वाले हैं और आज हम ड्राई चटनी बना रहे हैं, इसलिए ये सारी चीज़ों को मैंने वॉश करके थोड़ा सा फ़ैन के नीचे सुखा लिया था। 1 कप हमने लिया है हरा धनिया। कुछ यहाँ पर मैंने 15-20 कड़ी पत्ते के पत्ते लिए हैं, 15-20 ही मैंने यहाँ पर पुदीने के पत्ते लिए हैं, और साथ ही में यहाँ पर मैंने 5 हरी मिर्च लिए। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हरी मिर्च को थोड़ा सा तोड़ के इसमें डाल देते हैं। पुदीने के पत्ते डाल देते हैं, साथ ही में हम कड़ी पत्ते के भी पत्ते डाल देते हैं। कड़ी पत्ते के पत्ते से टेस्ट जो है चटनी का बहुत ही बढ़िया आता है। और अब हम हरे धनिए को थोड़ा सा कट करके डालते हैं। इस तरह कट करके डालने से धनिया जो है बहुत अच्छे से पीसा जाएगा। तो ये हमने डाल दिया, आप देख सकते हो इसकी डंडियाँ भी मैंने साथ में रहने दी है। इसकी जो स्टेम्स होती है ना इस तरह से, इनकी जो खुशबू है बहुत ही अच्छी होती है, तो ये भी हम इसमें डाल देते हैं। साथ ही में मैं इसमें दलिया डाल रही हूँ। ये भुनी हुई चने की दाल होती है, ये अक्सर हम चिवड़े वगैरह में यूज़ करते हैं, तो ये हम डाल रहे हैं। ये मैंने एक छोटी कटोरी ली है, तो ये भी ऐड कर देते हैं। 1 बड़ा चम्मच धनिया है ये डालते हैं। 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच मैं यहाँ पर काला नमक डाल रही हूँ, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 पिंच मैंने यहाँ हींग की डाली है, और 1/2 चम्मच हम अपना रेगुलर जो नमक है वो इसमें डाल देते हैं। लास्ट में हम इसमें 1/2 नींबू का जूस डाल देते हैं। नींबू का जूस जो है थोड़ा सा प्रिजर्व करने का भी काम करता है, तो हमने इसे डाल दिया है। और चलिए अब इसे हम पीस लेंगे, और इसे आपने बहुत फास्ट मिक्सर के जो है फर्स्ट मोड पे ही पीस लेना है, ज़्यादा इसे हमने फास्ट करके नहीं पीसना है। तो चलिए इसे हम पीस लेते हैं। चटनी यहाँ पर पीस चुकी है, ये देखिए कितना बढ़िया सा इसका कलर आ गया है। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। इसे थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे और फिर इसे आप स्टोर करने के लिए किसी भी कंटेनर में डाल के या किसी स्टील के डब्बे में भी डाल के आप इसे फ्रिज में 20 से 25 दिन तक रख के यूज़ कर सकते हो। ये फ्रिज में ख़राब नहीं होती है, बाहर आप इसे 4 से 5 दिन तक ही रख के यूज़ कर सकते हो। और ये जो चटनी है ना, ये अगर आप भेल वगैरह में यूज़ करोगे तो बिल्कुल जैसे बाज़ार में जो बनाते हैं ना स्ट्रीट फूड वाले भेल वगैरह, और मुंबई की जो भेल है वो तो बहुत ही फेमस है, तो वो लोग जो बनाते हैं ना सूखी भेल वगैरह, तो उसमें वो यही चटनी यूज़ करते हैं। आप इसे ज़रूर एक बार बनाएं, और भेल बनाएंगे तो आपको इतना ज़्यादा मज़ा आएगा। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना अगर आप ये चटनी बनाते हो, और उससे आप अगर भेल बनाते हो तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की ये सिंपल सी और छोटी सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी है। फिर जल्द ही मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ।